तरीका होता है। अगर आपने इष्ट देवता माना है तो इष्ट देवता का मान भी रह जाएगा। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को सपने में देखना किस प्रकार के संकेत हो सकते हैं? बाबा श्याम अगर आपको सपने में संकेत देते हैं तो क्या समझना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर बाबा श्याम के सपने आज तक आपको नहीं आए हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आप बाबा श्याम की भक्ति इसी प्रकार से करते रहें। बाबा श्याम आपको सपने में जरूर दर्शन देंगे और जरूर आपसे बात भी करेंगे। तो श्याम भक्तों क्या करना चाहिए? तो श्याम भक्तों, अगर आपके सपने में बाबा श्याम आ चुके हैं और आपको कुछ कहना चाह रहे हैं तो क्या समझें, क्या मतलब समझें? श्याम भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और बाबा श्याम को समर्पित होते हैं तो कुछ इस तरह से आपके भाव प्रकट होते हैं, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से पहले देखिए। तो श्याम भक्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या देखा कि एक भक्त बाबा के दरबार में गया है और बाबा के दरबार में जाकर बाबा से कह रहा है कि बाबा श्याम मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा श्याम पकड़ लो ना ये हाथ। इस भक्त की बातों से ये पता चल रहा था कि ये भक्त काफी अत्यधिक दुखी है, काफी अत्यधिक निराश है। और श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं, जो बाबा श्याम से जुड़ता है उसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होता है, तभी वो बाबा श्याम से जुड़ता है, बाबा श्याम के दरबार पर आता है। क्योंकि श्याम भक्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी कारण से परेशान ना हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। तो जब उसको बाबा श्याम के दरबार के बारे में पता चलता है और जब उसे लगता है कि बाबा हारे के सहारे हैं, तो दौड़ा दौड़ा बाबा के दरबार में चला जाता है और जाकर इसी प्रकार से बाबा से कहता है कि बाबा हाथ पकड़ लो ना। क्योंकि बाबा के दरबार में जाने के बाद उसे करना क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता रहता, परंतु जिसके जैसे भाव होते हैं वो उसी प्रकार से बाबा को समर्पण रहता है। श्याम भक्तों, आप सभी बाबा श्याम के दरबार से कई सालों से जुड़े हैं और आप में से बहुत सारे भक्त बाबा के दरबार कोई हर महीने जाता है, कोई छह महीने में जाता है, कोई साल में एक बार जाता है, कोई दो साल में एक बार जाता है। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है और बाबा से जो जुड़ा है वो इसी प्रकार से बाबा के दर तक जाता रहता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम अगर आपको सपने में दिखाई दे तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात कर लेते हैं कि अगर बाबा श्याम आपको सपने में नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको बाबा श्याम की भक्ति इसी प्रकार से करती रहनी चाहिए। यानी बाबा श्याम आपसे कह रहे हैं कि आपको भक्ति का मार्ग कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति को बिगाड़ के लिए यानी आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आपके मार्ग में काफी सारी बाधाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी जिसे आपको पास करना होगा। मान लीजिए अगर आप अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं तो हो सकता है उससे कुछ लोगों को परेशानी हो, कुछ लोगों को दिक्कत हो, वो आपको इधर उधर की बात करे, परंतु इसमें घबराना नहीं है श्याम भक्तों, ये तो आपकी परीक्षा है जिसे आप एक परीक्षा के रूप में ले सकते हैं। अगर आप इससे घबरा गए तो समझ लीजिए आपकी वो भक्ति अधूरी रह गई। जब बाबा श्याम सपने में आते हैं, सपने में दर्शन देते हैं, तो बाबा श्याम ये कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपको बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, बाबा ने तो आपका हाथ पकड़ रखा है। आपने कई भजनों में सुना होगा कि हे बाबा श्याम कस के पकड़ना मेरा हाथ, यानी कहीं से हाथ ना छूट जाए। आपने कई सारे भजन के बोल सुने होंगे इस तरह से कि एक भक्त बाबा से कहता है कि बाबा श्याम मेरे हाथ को, मेरी उंगली को ऐसे पकड़े रहना, किसी रास्ते में मुझे छोड़ मत देना, ऐसा करके वो भजनों के माध्यम से प्रार्थना करता है, बाबा से कहता है। तो बाबा श्याम कहते हैं कि मैंने तो तेरे हाथ को पकड़ रखा है, परंतु तू ही मेरा हाथ ना छुड़ा लेना, क्योंकि अगर तू मुझसे जुड़ा है तो तेरे समक्ष ऐसी समस्याएं आएंगी और वो समस्या बनी ही रहेगी, परंतु तू मेरी अगर भक्ति करता रहेगा, इसी प्रकार से मेरी आराधना करता रहेगा, तो तेरी सारी विपदाएं एक ना एक दिन दूर होगी, परंतु उसका सही समय कब होगा वो निश्चित नहीं है, वो तेरे कर्मों के आधार पर है, तेरी भक्ति के आधार पर है। तो किस तरह से बाबा को रिझा रहा है, किस तरह से बाबा की पूजा कर रहा है, उसके आधार पर होगी। तो बाबा श्याम ये आपसे सपने में आकर
कहना चाहते हैं। हालांकि बाबा श्याम सपने में जो दर्शन देते हैं सारे भक्त समझ नहीं पाते, क्योंकि बाबा श्याम जब दर्शन देते हैं तो उन्हें देखकर ही गुमसुम हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा के साथ बात करना चाहती है तो उस समय आत्मा के दिमाग में कुछ भी नहीं रहता और वो बाबा श्याम से सब कुछ कहना भूल जाती है। परंतु श्याम भक्त परमात्मा है, वो इशारों इशारों में काफी कुछ आपसे कह देना चाहती है, बोल देना चाहती है, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। श्याम भक्तों, कठिन परीक्षाएं यानी आपके सामने जितनी भी कठिन परीक्षाएं आएंगी, आप अगर भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो भक्ति मार्ग पर आपको यूं ही सदा चलते रहना है, ऐसा बाबा श्याम संकेत देते हैं अगर सपने में वो आपके आते हैं तो। श्याम भक्त, बाबा श्याम का जो दूसरा संकेत है यानी बाबा श्याम जब सपने में अगर आपके पास आते हैं और सपने में आपसे बात करने के लिए कहते हैं तो आप समझ जाइए कि बाबा श्याम आपसे कह रहे हैं कि आपको धैर्य बना के रखना चाहिए, यानी किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जब उनके साथ विपरीत परिस्थिति होती है यानी कि जब वो सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा और पता चला उनके साथ बुरा ही होता चला जा रहा है, हमेशा बुरा ही होता जा रहा है। आपको बता दूं, भगवान उसी को मिलते हैं जिनकी परीक्षा होती है। बहुत सारे भक्त तो समझ भी चुके हैं कि जब उन्होंने कठिन परीक्षाएं दी हैं और परीक्षाएं होने के बाद जब उनका बाबा ने हाथ पकड़ा, परीक्षाएं होने के बाद जब बाबा ने उसका हाथ थामा तो आज वो रंग से राजा बन चुके हैं। तो श्याम भक्तों, आपको पेशेंस रखना होगा यानी धैर्य बना के रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने धैर्य छोड़ दिया यानी कि आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं 3 साल से 4 साल से, आपके काम नहीं बने और आपने बीच में पूजा पाठ छोड़ दिया। अब आपको पता चला कि कोई और भगवान जो है वो काम बना रहे हैं, उनका हाथ पकड़ना है। यानी कि श्याम भक्तों, आपके जो कुल के देवता हैं उनके तो हाथ आपने पकड़ा ही है, उनकी तो आप पूजा करते ही करते हैं, परंतु जिसे आपने इष्ट रूप माना है यानी कि आपने अपना इष्ट देवता माना है, तो इष्ट देवता का मतलब यह है कि उनका हाथ पकड़े रहना है, उन पर विश्वास बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आज बाबा श्याम ने आपकी बात नहीं सुनी तो आपने अपना धैर्य खो दिया, किसी दूसरे ने आकर आपसे कहा कि बाबा श्याम बात नहीं सुनते हैं, साईं बाबा के मंदिर जाओ, वहां सारे बिगड़े काम बनते हैं, अगर साईं बाबा नहीं सुनते हैं तो आप इस जगह जाओ, वहां पर सारे काम बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनका माइंड डाइवर्ट होता है। इस तरह से कोई अगर आपके समक्ष आता है कहने के लिए तो समझ लीजिए ये भी आपकी एक परीक्षा की घड़ी थी और ये आपकी एक पेशेंस की चेक थी कि आपको कितना भरोसा है अपने बाबा पर यानी बाबा श्याम पर कितना भरोसा है, कब तक आपने उनका दामन थाम के रखा है, हाथ पकड़ के रखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाबा श्याम का हाथ छोड़कर किसी और के साथ चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आपने इष्ट देवता बाबा श्याम को माना है तो बाबा श्याम के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में राम जी की स्थापना हो रही है तो अब हम बाबा श्याम का दर छोड़ के अब हम राम भक्त बन गए हैं और हम साथ में बालाजी के भी भक्त थे, अब हम राम भक्त हो गए हैं, तो इस तरह से अब बाबा श्याम की हम पूजा नहीं करते, अब हम राम जी की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी देवी देवता एक ही हैं। आप सभी को बता दें, आप चाहे राम की पूजा करो, आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, सभी देवी देवता की पूजा आपको लगती है, परंतु यह है कि इष्ट देवता आपने अगर बाबा श्याम का हाथ पकड़ा हुआ है तो बाबा श्याम का ही हाथ पकड़ के रहना है। पूजा पाठ आप सभी की करिए, पूजा पाठ करने के लिए मना ही नहीं कि आप राम की पूजा नहीं करनी है या श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप श्री राम भगवान की पूजा करिए, आप सबकी पूजा करिए, परंतु जो इष्ट देवता होता है वो केवल एक ही होता है और जिसे आपने माना है, जिस पर आपने विश्वास किया है। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि अगर आपने कोई गुरु बनाया है या आपने इष्ट देवता बनाया है तो वो सिर्फ एक ही होता है, उसको बार बार बदलना नहीं चाहिए। अगर आपने ये देखा कि आज ये गुरु से मेरा काम नहीं हो रहा, चलिए अब इनको गुरु बना लेते हैं, अब इनको गुरु बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जिस पर विश्वास हो, जिस पर भरोसा हो, उसे आप किसी को भी अपना गुरु के रूप में मान सकते हैं, चुन सकते हैं। हम भक्तों, आप सभी को बता दें, माता पिता तो हमारे जन्मों से हमारे माता पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, आराध्य भी हैं, वो पूजनीय है माता पिता, परंतु एक जीवन में गुरु जरूरी होता है। अगर आपने किसी को अपना गुरु बना रखा है तभी आपको कृष्ण मिलते हैं। यानी कि गुरु कैसे होता है, जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो साथ में आपको गुरु मंत्र भी लेना पड़ता है। तो श्याम भक्तों, इससे क्या होता है कि जो आपका जो चंचल मन होता है वो स्थिर होता है और वो जब गुरु मंत्र आपको देते हैं तो उस मंत्र को जप करने से आपके मार्ग में जो भी कठिनाई परेशानी होती है सब कुछ धीरे धीरे करके सब कुछ दूर हो जाती है। इसलिए हर किसी को एक नए गुरु बना लेना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर इस तरह से आप गुरु बनाते हैं, किसी एक को ही अपना गुरु मान के रखते हैं और इष्ट देवता की इसी तरह से हाथ पकड़े रहते हैं और
पूरा भरोसा के साथ उन पर, धैर्य के साथ आप उन पर विश्वास रखकर अपने जीवन जीते हैं, तो देखिएगा आपके जीवन में सभी संकट समाप्त होते हैं और बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र भी बनते हैं। यानी जो इष्ट देवता है उन्हें मानिए। अभी ऐसी बात नहीं कि जो राम जी से जुड़े हुए हैं, सालासर बालाजी से जुड़े हैं, उनके काम नहीं बने, वो हार चुके हैं और आके बाबा श्याम की शरण में आ गए, परंतु उनके आराध्य देव हनुमान जी थे, तो वो हनुमान जी उनके इष्ट देवता है क्योंकि वो शुरू से उनको मान चुके हैं, उन पर भरोसा था, बाबा श्याम की शरण में है क्योंकि वो हार चुके हैं। और संकट मोचन जो है संकट दूर करते हैं, विघ्न बाधाएं जो होती है हमारे ऊपर वो दूर करते हैं, तो वो तो आपकी दूर करेंगे क्योंकि वो आपके इष्ट देवता थे हनुमान जी। अब बाबा श्याम की शरण में आए हैं जीत लेने के लिए, और बाबा श्याम की शरण में जब आ जाते हैं, उन्हें सब कुछ समर्पण कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि हे देव, तुम हारे के सहारे हो और सुना है बहुत बड़ा नाम है, हालांकि मैं बालाजी की पूजा करता हूँ, वही मेरे इष्ट देवता है, परंतु प्रभु आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मेरे संकट दूर तो उन्होंने दूर कर दिए, परंतु हे प्रभु, आप तो हारे के सहारे हो और मैंने सुना है कि आपने अपनी माता को वचन दिया है कि आप सभी को जीत दिलाते हो, तो हे प्रभु, मैं बालाजी से आज्ञा लेकर आपके पास आया हूँ और उन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया है कि श्याम बाबा के नाम से हारे के सहारे हैं, सभी को जीत दिलाते हैं, तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूँ, आप मुझे जीत दिला दीजिए, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो ये तरीका होता है, अगर आपने इष्ट देवता माना है तो इष्ट देवता का मान भी रह जाएगा और यहाँ बाबा श्याम से आपका काम भी हो जाएगा। तो श्याम भक्तों, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते, देखिए सभी देवी देवता एक ही होते हैं, एक ही है ईश्वर, परंतु जब हम दिल और दिमाग से जब भगवान की भक्ति करते हैं, हमें ये समझ नहीं आता कि हम इन्हें क्या भोग लगाएं, इनको कैसे प्रसन्न करें, ये नाराज ना हो जाए, इनकी पूजा ऐसे नहीं की, शिव जी पे हमने जल नहीं चढ़ाया तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, तो इस तरह से माइंड में बहुत सारी व्याकुलता आती है। श्याम भक्तों, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए और पेशेंस के साथ जितनी बातें मैंने आपको बताई है इस तरह से ध्यान में रखकर आपको कार्य करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम अगर सपने में आए तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, धैर्य को बनाए रखें और बाबा श्याम पर भरोसा रखें। श्याम भक्तों, अगर आप ऐसा सपना देखें कि बाबा श्याम आपको आपके घर में ही दर्शन दिए हैं, यानी कि आपके घर में वो प्रकट हुए हैं और घर में आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं या आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपकी सेवा पूजा पाठ से बहुत अत्यधिक प्रसन्न है, बहुत ही खुश है और वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है बाबा का, आप किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, चिंता ना करें। अगर ऐसा कोई सपना आता है तो खुश हो जाइए, बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। श्याम भक्तों, अगर सपने में आप ये देखते हैं कि बाबा श्याम आपके ऑफिस में प्रकट हुए हैं, यानी कि आपने ये देखा कि मैं ऑफिस में बैठा हूं और ऑफिस में बैठे बैठे बाबा श्याम आपको दर्शन दे रहे हैं, बाबा श्याम आपको वहां नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम ये कह रहे हैं कि आपको अभी परिश्रम करने की आवश्यकता है, यानी अत्यधिक परिश्रम आपको करना है, चूंकि आपको आगे बढ़ना है, अपना मुकाम हासिल करना है और बाबा श्याम की कृपा पानी है, तो आपको परिश्रम लगातार करती रहने चाहिए जिससे बाबा श्याम अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखे। श्याम भक्तों, एक बात का और ध्यान रखें, बाबा श्याम को सपने में देखना, यानी कि बाबा श्याम को आपने किस मुद्रा में देखा है, यानी कि बाबा श्याम को आपने किस रूप में देखा, यानी हंसते हुए रूप में देखा है आपने, या गुस्से वाले रूप में देखा है बाबा श्याम को, या आपने गंभीर मुद्रा के रूप में देखा है। तो बहुत सारी ऐसी मुख मुद्रा होती हैं जो बाबा श्याम सपने में आते हैं तो मुख मुद्रा के अनुसार दर्शन देते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का स्वरूप कैसा होगा जब वो सपने में दर्शन देंगे? तो श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम को सपने में देखते हैं, यानी एक आत्मा जो परमात्मा से मिलन करता है सपने के माध्यम से, तो उसे खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि ये मेरे इष्ट देवता है, ये मेरे आराध्य देवता है, और जब मेरे आराध्य देवता मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं तो उनसे क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी है, वो किस रूप में नजर आते हैं, तो वो उस समय जो आत्मा होती है वो तो समझ जाती है, परंतु जब हम जाग जाते हैं तो ये एक नश्वर शरीर है और नश्वर शरीर में जो हमारे पास जो बुद्धि और दिमाग है वो सिर्फ उतना ही सोच पाती है जितना हम सोच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं सोच सकते। श्याम भक्तों, इस बात पर भी निर्भर करता है कि बाबा श्याम ने आपको किस रूप में और किस मुद्रा में दर्शन दिए हैं। अगर सपने में बाबा श्याम आते हैं और आपको इस मुद्रा में दर्शन दे रहे हैं, यानी कि मुख मुद्रा उनका बहुत ही खुश मिजाज का है, तो समझ लीजिए बाबा श्याम ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। हालांकि आप ये कहेंगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास रुपए पैसे है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बाबा श्याम की पूजा कर रहा हूँ और मैंने बाबा श्याम को सपने में खुश देखा, तो कैसे करके प्रसन्न है मुझ पर, ऐसे भी आपके सवाल हो सकते हैं। तो आप चिंता ना करें,
देखिए जब बाबा श्याम ने आपको दर्शन दिए, बाबा श्याम का जो मुख मुद्रा बहुत ही पॉजिटिव है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए कि बाबा श्याम ने आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बना के रखी है, कृपा दृष्टि बना के रखी है। आप उनका हाथ इसी प्रकार से पकड़े रहना, मन में किसी भी प्रकार का लोभ लालच ना करे कि इस तरह से बाबा श्याम ने मेरे काम नहीं बनाए हैं, अब मैं बाबा श्याम की पूजा नहीं करूंगा, बाबा श्याम का हाथ छोड़ दूंगा, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। श्याम भक्तों ऐसी बातों को ध्यान में रखे, अगर बाबा श्याम दर्शन देते हैं तो बाबा श्याम का हाथ पकड़े रहे और बाबा श्याम से कहते रहे, बाबा श्याम पकड़ लो ना मेरा हाथ, बाबा श्याम पकड़ लो ना मेरा हाथ, इस तरह से बाबा श्याम को कहते रहेंगे तो बाबा श्याम आपका हाथ पकड़े रहेंगे और बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बाबा श्याम की ऐसे ही बातों को सुनने के लिए, बाबा श्याम को सपने में पाने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक देखते रहिए, ताकि आपके दिमाग में बाबा श्याम के सिवा और कुछ ना हो, क्योंकि बाबा श्याम जब आपके दिल और दिमाग में हमेशा बने रहेंगे तो वो सपने में भी आपको दर्शन देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। श्याम भक्तों, यही है बाबा श्याम के चमत्कार और यही है बाबा श्याम की महिमा। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।